ओके ताकि वो हुई 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 अंडा बनाना है। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज कि आई हैव बीन मिसिंग इन एक्शन, क्योंकि मैं बहुत लेजी हो गई थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मोबाइल पकड़ूँ या कोई एफर्ट करूँ या कुछ भी करूँ। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि बहुत अरसा हो गया मैंने बात नहीं की, और ये दिल इसलिए चाह रहा था क्योंकि कुछ लोगों से मैं बाहर जाते हैं शादी पे, वैसे कहीं तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए एंड दे टोल्ड मी हाउ मच दे लव माई यूट्यूब चैनल एंड यू नो द वीडियोज दैट आई मेक। तो मैं बड़ा मोटिवेट हुई, मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा ठीक है यार, लोग देखते हैं, लोग को पसंद है तो मैं बनाती हूँ, फिर क्यों ना बनाऊँ। बड़ी मुश्किल से मुझे घर में खामोशी मिलती है और आज चलाया नहीं है घर में, तो मैंने कहा यही टाइम है। मैंने बहुत सारे शोज में ये रेसिपी बताई है, ये किसान की फेवरेट डिश है। जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने बड़ा सुना था ना अंडा आलू, तो मैंने कहा अंडा आलू क्या है भाई, सब लोग अंडा आलू कर रहे हैं, आई नीड टू नो कि ये क्या है। तो किसान ने कहा तुम बना ही नहीं सकते, ये तुमने सीख लिया ना तो बस मेरा दिल जीत गया। तो इवेंचुअली मैंने ये सीख ही लिया। सो दिस इज़ नॉट द अंडा करी जो आपको लगता है, इट इज़ अ वेरी स्पाइसी एंड टेस्टी डिश जिसमें आपको चाहिए आलू, ऑब्वियसली चार आलू, बेसिकली मसाला ज़्यादा होना चाहिए। मसाले के लिए 6 टमाटर मैंने लिए, इसके अंदर 1 प्याज इस्तेमाल होगी। आप नॉर्मली जैसे ऑमलेट में प्याज काटते हैं सो आप बस इस तरह प्याज काट लें। आई रीड ऑल द कॉमेंट्स, लेट मी टेल यू दैट, सो थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। टमाटर 6 टमाटर इसलिए ताकि मसाला ज़्यादा हो, जितना मसाला उतना टेस्टी होगा। तो ये आपको हम सर्व करते हैं। ओहो लाया हमें, अब तो नहीं बन सकती वीडियो, सॉरी। तो सामर लाए घर आ गए, तब आप शोर शराबे में ही काम होगा, लेकिन आज मैं काम करके रहूँगी बिकॉज बहुत अरसा हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। सो ये रही 1 प्याज, 6 टमाटर डन, 2 हरी मिर्चें जो मुझे चाहिए होंगी, चलो उसको आखिर में, वैसे तो मैं आखिर में डालती हूँ बिल्कुल एंड में, लेकिन अभी काट ही लेते हैं ये मसाला। अच्छा अब मसाले में क्या चीज़ आएगी मैं आपको बता दूँ। हमने प्याज लाल कर ली, उसके बाद टमाटर डाला, टमाटर को भून लिया, उसके बाद ये कुटी हुई हरी मिर्च, हम इसको डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, ठीक है। हल्दी मैं डालती हूँ 1 चम्मच, और ये है कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, इट स्मेल्स सो गुड। तो मैंने क्या किया, जीरा को बहुत सारे जीरे को भूना पहले भूनने के बाद इसको मैंने पीस लिया और एक बॉटल में रख दिया। आई लव द स्मेल, ये भी हम 1 चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे। सो 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आप लोग आधा चम्मच कर सकते हैं, बट किसान लव्स मिर्चें, तो मैं कभी आधा करती हूँ कभी 1 करती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, मैं एक्सपर्ट होगी तो मैं टेस्ट करके भी बता सकती हूँ। और कुछ मिस कर रही हूँ, नमक, ऑब्वियसली नमक हसबे जाएगा जैसे आपको समझ आया था, आधा चम्मच से 1 चम्मच के से 1 चम्मच से कम और आधा चम्मच टाइप, आप टेस्ट करके बता सकते। आलू टेक्निकल इसलिए बिकॉज आलू बहुत पतले हमने पतले काटने हैं ताकि वो क्रिस्पी क्रंची रहें, सही है। सो इट शुड बी क्रिस्पी क्रंची, थोड़े से नरम सॉगी, इस तरह कोई सीन होगा। अभी मैं ज़्यादा एक्साइटेड होगी, मैंने आलू गलत, 4 बड़े बड़े आलू या फिर 6 आलू, और अगर आपने अपने आलू की क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्लीज़ टमाटर की क्वांटिटी बढ़ाएं ताकि मसाला कम नहीं होना चाहिए, मसाला शुड ऑलवेज बी मोर ताकि स्पाइसी, दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ये आलू बड़े इसके साथ बस हमें थोड़ी सी 2 बड़ी मिर्चें चाहिए, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड कुटा हुआ भुना हुआ जीरा। सो लेट्स गो ऑन दैट साइड। इसको हम फ्राई करने रख देते हैं बिकॉज इसको टाइम लगता है आलू को फ्राई होने में, एंड मीनवाइल हम मसाला चढ़ा दें। एज आई सेड, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये रिकॉर्ड करना, बट कर रही हूँ मैं। वेयर ऑन दिस साइड, सबसे पहले तो हमने प्याज डाल दिए ताकि वो हुई 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 हुई, हम लोग लेट्स ट्राई टू फ्राई द आलू। और अब ये सबसे गंदा काम है क्योंकि मुझे मेरा वो कढ़ाई नहीं मिल रही जिसमें जनरली हम लोग आलू फ्राई करते हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। यार गैस का क्या सीन है, गैस इतने कम आ रही है, कभी आती है कभी नहीं आती, तो अब जब आ रही है मैंने सोचा कि फुल फ़ायदा उठा लें गैस के आने का।
हमारे यहाँ इतनी ज्यादा नहीं आती, मतलब कम कम आती है और आधे से ज्यादा टाइम तो आती नहीं है। ये जो डिश है ना, ये बहुत ही मोटापा नंबर वन डिश है। इफ यू वांट टू बी फैट यू मस्ट ईट दिस। प्याज ऑलमोस्ट लाल हो चुकी है, आपको दिखती है? यस, प्याज इज ऑलमोस्ट लाल। एंड अब से कुछ देर बाद मैं अपने सामने से कैमरा हटा के डायरेक्ट इधर लगा दूंगी ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। आई थिंक दिस इज द टाइम जब मुझे ये टमाटर डाल देने चाहिए। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन टमाटर भूनने में मुझे बहुत वक्त लगता है। प्रॉब्ली इसलिए कि मैं स्लो आंच पे भूनती हूँ। मीनवाइल आई थिंक मैंने लोगों को देखा बनाते हुए, हमारे घर में जो खाने बनाती हैं वो फुल आंच पे बनाती हैं। मुझे होता है कि तेल कम इस्तेमाल हो और वो खुद से भून जाए, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आज क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकती। ओके, सो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू नो आलू फ्राई होने में टाइम लगता है। सो देयर वी गो, यहाँ आलू फ्राई हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा इस मसाला बनने में। ओके ओके ओके। तो आलू के जो चिप्स हैं वो ऑलमोस्ट हो गए, क्रिस्पी हो रहे हैं, क्रंची। हमारा एम यही है कि ऑब्वियसली ये जले नहीं लेकिन क्रंची रहे। साथ में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली ये मसाला, क्योंकि अलाया भी खाती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए नेचुरली बगैर ब्लेंड किए हुए, ताकि अलाया भी आराम से खा ले। ऑब्वियसली के सामने तो खा लेता है, लेकिन आई वॉन्ट के अलाया कि मुंह में कुछ बीज और ये सब वो करती है ना, बच्चे आपको पता है करता है। आई डोंट वांट दैट। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि हम चिप्स को निकाल लें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो अब हम मसाला। ओके, सो हमारा जो मसाला कह रही हूँ, प्याज टमाटर हमने अच्छे से भून लिया, आप चेक कर रहे हैं, अच्छा सा बहुत नरम हो गया। अब आई एम गोइंग बी पुटिंग द मसाला। एक कुटा हुआ भुना हुआ जीरा मैं पहले से तैयार करके रख लेती, जैसे मैंने आपको बताया, एक चम्मच। देयर वी गो, एक चम्मच। आई नो आप लोग कह रहे होंगे ओ माय गॉड इतना सारा मसाला, बट आई लव इट। हल्दी, नमक आई विल स्टार्ट विद हाफ चम्मच, हाफ टी स्पून, फिर देखते हैं कि कितनी जरूरत है। वाओ, परफेक्ट। मिठास भी आ रही है टमाटर की और मसाले भी मजे के हैं। मैं तो चाह रहा था उसको और वो स्पाइसी कर दूं, बट आई थिंक जरूरत नहीं है। दिस इज परफेक्ट, इट हैज टू बी स्वीट एंड टेस्टी एट द सेम टाइम। जो बना है उसको जरा, आई नो आप सोचोगे कितना इरेस्पॉन्सिबली कुक करी, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे रिकॉर्ड भी करना है तो आपको भी देखना और इसको भी। सो दिस इज द ओनली वे आई कैन डू इट, आई हैव एब्सोल्युटली नोबडी टू हेल्प मी टुडे। वाओ, अभी से इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है ना कि ओह माय गॉड। समटाइम्स अगर नमक तेज हो जाते हैं, मसाला आई फील बहुत तेज हो जाता है, तो मैं एक टमाटर ब्लेंड करके ऐड कर देती हूँ। अब मैं थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई हूँ। एंड नाउ इज द टाइम फॉर हरी मिर्चें। ये मसाला एकदम तैयार हो चुका है। ये आलू आपके फ्राई हो रहे हैं, ये आलू जब फ्राई हो जाएंगे टिश्यू पेपर पे रखेंगे, उसके बाद इनको इसमें मिक्स कर देंगे तो वो मसालेदार आलू हो जाएंगे। एंड देन वी हैव दिस पैन जिसमें हम अंडा फ्राई करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज डन, आई जस्ट वांटेड टू शो यू। और यहाँ साथ साथ पराठा बन रहा है, देसी घी का पराठा, तो क्रेजी नाश्ता हो रहा है। फ्राई आलू एंड हमने इसमें मिक्स कर दिया, चूल्हा भी जलाएंगे ताकि वो थोड़ा क्रंची भी रहे, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। कसम तुम देख रहे हो। सो आवर एम इज टू मिक्स द मसाला रियली वेल। ओके, लेकिन इतना भी ना आप चूल्हे पे इसको करें कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। आप ये देख रहे हैं मसाला अच्छे तरह मिक्स हो गया है। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, मसाला ज्यादा होना चाहिए, आलू कम। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वाह, टू गुड, अब अंडे का नाम कहाँ से है? अंडा आलू क्यों है? क्योंकि हमने इसमें अब फ्राई अंडा फ्राई करना, वो जो हाफ फ्राइड एग होता है ना। सो वर डन, द मसाला इज मेड, इट इज अमेजिंग, आई हैव मिक्स्ड द आलू इन इट। अब हमने सिर्फ अंडा बनाना है। ओप्स, फेमस कसाम इज रिकॉर्डिंग इट बिकॉज कसाम को बहुत भूख लग रही है। तो बेसिकली यार ये कॉम्बिनेशन है, ये मसालेदार आलू है, ठीक है, इसका और यहाँ पराठा होगा। तो यू आर सपोज टू टेक अ बाइट ऑफ दिस विद दिस एंड इट इज अमेजिंग, ट्राई इट आउट एंड यू गाइस विल लव इट। कैसा है किसान? या मसाला सही है, ज्यादा तो नहीं, कम ज्यादा? आई थॉट मसाला ज्यादा है। बहुत अच्छा है। किधर आ गए? ऑलराइट, अमेजिंग।